हेलो, सीएमए एग्जाम खत्म। अब क्या सर? यही तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि अब क्या करें। तो जल्दी से समझ लो, चाहे इंटर हो चाहे फाइनल हो, बात दोनों के लिए एक ही तरह की है। ठीक है, ठीक से समझ लो क्या करना है। सबसे पहला स्टेप मेरे नजर में, आप लोगों को अभी जो आप एग्जाम दिए हो उसका क्वेश्चन पेपर लेकर खुद से असेस करना है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। सेल्फ असेसमेंट हर सब्जेक्ट का, अभी तो फिर भी याद है कि कहाँ पे क्या करके आए हो। कंजर्वेटिव मार्किंग करो, कंजर्वेटिव मार्किंग, जिसमें क्या करना है, जिसमें आपको पता लगाना है कि मेरा हर सब्जेक्ट में मिनिमम मार्क्स कितना आ सकता है। सब्जेक्ट वाइज मार्क्स निकाल लो, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आप कहाँ खड़े हो। आप जो भी मार्क्स निकालो, स्टेप मार्किंग बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है, विदाउट कंसिडरिंग एनी काइंड ऑफ स्टेप मार्किंग, एंड सी वेयर डू यू स्टैंड। ठीक, आप देखो कहां पर अभी आप स्टैंड कर रहे हो, दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू। अगर आपको ये सेल्फ असेसमेंट करके ये समझ आ रहा है कि मेरा चांसेस जो है ना वो 50-50 है या नहीं होने के तरफ है, चांसेस जो है वो 50-50 है या फिर नहीं होगा ऐसा आपको लग रहा है, तो अलग स्ट्रेटजी फॉलो होगी। और आपको यदि लग रहा है कि चांसेस आराम से पास तो हो ही जाएंगे ऐसा है, तो फिर अलग स्ट्रेटजी फॉलो होगी। ठीक है, अगर आपको लग रहा है चांसेस 50-50 है, नहीं होगा, तो आपको मेंटली ये सजाना पड़ेगा कि मैं अब दोनों ग्रुप के लिए रेडी हूं, या मेरा दोनों ग्रुप दिया हुआ है। दो केस हो सकता है, आपका कोई एक ही ग्रुप दिया हुआ है अपने एग्जाम में, एनी वन ग्रुप अपियर्ड है, और दूसरा केस क्या हो सकता है कि आपने ये देखा कि बोथ ग्रुप ही अपियर्ड है। तो आपको यहां पर ये देखना है, एनी वन ग्रुप अगर अपियर्ड है तो क्या आपको मेंटली सोचना है कि अब आप आने वाले अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप को देकर बदला लेना चाहोगे, अपने प्रिपरेशन में मिस्टेक्स जो हुआ उसको लेकर। तो अगर ऐसा आपको लग रहा है कि आप मेंटली प्रिपेयर हो रहे हैं दोनों ग्रुप के लिए, आप उतना हार्डवर्क करने रेडी हैं कि रोज आपको एग्जाम देना पड़ेगा और 8 सब्जेक्ट पढ़ के अब इस बार एग्जाम देना है, तो आप स्टार्ट करेंगे अब बोथ ग्रुप फॉर नेक्स्ट अटेम्प्ट, बोथ ग्रुप फॉर नेक्स्ट अटेम्प्ट। ऐसे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया है फाइनल में, इंटर में, और एक बार ये एग्ज़ाम ख़राब होने के बाद, ठीक है, दूसरी बार में सीधा रैंक मार के बदला ले लिया। तो ऐसा भी आप सोच सकते हो, बट आपको उसके लिए बहुत शिद्दत डालनी होगी, पढ़ाई के लिए बहुत फोकस डालना होगा, दिन में 10 से 15 घंटा पढ़ना होगा। ठीक है, मैं बताऊंगा और कैसे कर सकते हो आप, बट ये पॉसिबिलिटी आपके लिए है। और या फिर आप सेम ग्रुप रिपीट करोगे, आपको लगता है कि नहीं इतना मेरे में ताकत नहीं कि मैं दोनों ग्रुप पढ़ सकूंगा, तो आप सेम ग्रुप रिपीट करोगे। तो जब आप सोच रहे हो बोथ ग्रुप मुझे देना है, तो आपको नेक्स्ट ग्रुप की क्लासेस एसजीसी से लेनी है फटाफट। एसजीसी में फटाफट फ़ोन घुमाइए और गाइडेंस लीजिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट्स का, किन टीचर्स का क्लास लेना है, जिससे कि आप आने वाले टाइम में दूसरा ग्रुप दे पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप क्लासेस स्टार्ट करनी है एज सुन एज पॉसिबल, एसजीसी के साथ ही करनी है और कहीं नहीं करनी है। तो हम भी आपके साथ लग के आपको पास कराने के लिए पूरा मेहनत करेंगे, देखेंगे कि आपका रैंक कैसे आ सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेशंस होते रहते हैं, जिसको आप अटेंड करोगे तो कहीं ना कहीं आपको एक लिवरेज मिलेगा ही मिलेगा। फिर आपको लग रहा है कि नहीं आप सेम ग्रुप रिपीट करना चाहते हो, तो आपको ये देखना है कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसमें आपको लग रहा है कि बहुत वीक रह गए, आप उसकी क्लासेस नहीं किए थे या फिर उसके क्लासेस बहुत जुगाड़ हिसाब से किए थे। तो एनी सब्जेक्ट दैट इज़ सुपर वीक, उस सुपर वीक सब्जेक्ट का क्लास ले लो आप, और इस बार सिंसियरली करो। ठीक है, डू इट्स क्लासेस अगेन, एक्सटेंशन लेना एक्सटेंशन ले लो, या फिर आपको लग रहा है कि नया से लेना है, नए टीचर का लेना है, जहाँ पर आपको थोड़ा और अच्छा समझ में आ रहा है, कवरेज पूरा नहीं मिला था लास्ट टाइम, तो वैसा कवरेज वगैरह को लेकर इशू है या अंडरस्टैंडिंग को लेकर इशू है, तो आप फिर से यहाँ पे क्लासेस जरूर ले लीजिए। और क्लासेस सही था, आपका ही पढ़ने में कमी था, तो उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए।
ठीक है, उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करिए। आपको लगता है कि क्लासेस का दरकार नहीं है तो बैठ जाइए इंस्टीट्यूट मैट लेकर, और वो वीक सब्जेक्ट को उठाकर जब तक कि रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक अपना समय को यूटिलाइज करिए। रिजल्ट आने में 2 महीना देरी है, और 2 महीना वेस्ट कर दोगे ना तो कहीं के नहीं रहोगे। ठीक है, 2 महीना वेस्ट कर दोगे तो फिर रिजल्ट आने के बाद कहीं के नहीं रहोगे, मतलब उस ग्रुप को भी रिपीट करने के लिए समय कम पड़ जाएगा। तो एनी सब्जेक्ट दैट इज सुपर वीक, कोशिश करिए कि 2 महीना में 2 सब्जेक्ट्स खत्म करें आप, अंटिल द रिजल्ट। अंटिल द रिजल्ट 2 महीना है तो 2 सब्जेक्ट खत्म करें, अगर क्लासेस भी ले रहे हैं तो भी, और क्लासेस नहीं ले रहे हैं और प्रैक्टिस करें तो भी, कम से कम 4 में से 2 सब्जेक्ट एक लेवल पे आ जाए। कोशिश करें कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें एक उसमें, और एक थ्योरी सब्जेक्ट जो है जिसमें आपका वीक चल रहा है बहुत ज़्यादा, एक उसको उठा ले। तो एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल को उठा लेंगे तो कॉम्बिनेशन अच्छा बनता है कि आपका दोनों तरफ काम हो गया, वन थ्योरी वन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को उठाकर आप अंटिल द रिजल्ट उसके ऊपर काम करें। ठीक है, तो अगर आप बोथ ग्रुप अपीयर कर चुके हैं तो क्या करना है, तो बोथ ग्रुप अपीयर कर गए तो सेम चीज करना है। क्या करना है कि आपको कोई 2 सब्जेक्ट उठाना है, कोई 2 सब्जेक्ट उठाना है। कोशिश करो एक सब्जेक्ट ग्रुप 1 का हो, एक सब्जेक्ट ग्रुप 2 का हो। जो आपका अच्छा नहीं गया अब आप उसको लेकर वापस से क्लासेस लेना है तो क्लासेस लो, और प्रैक्टिस करने का ज़रूरत है तो प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। ठीक से मैराथन वीडियोस को वापस देखो, एक एक सवाल को बनाओ। प्रैक्टिस करने के लिए SGC के तरफ से DJP बुक्स बनाया गया है ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट का, तो आप वो सब बुक्स ले सकते हो, नोट्स ले सकते हो उसका, और सारा सवाल बनाओ। और उसके अलावा जो इंस्टीट्यूट मैट का जितना भी सवाल है उसको बनाओ, और बनाओ मतलब ये नहीं कि आप क्वेश्चन पढ़ा और आंसर देखा और आंसर देख के फिर क्वेश्चन समझा, ऐसा नहीं। क्वेश्चन पढ़ेगा और अपने से बनाएगा, चाहे गलत हो चाहे सही हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट अपने से बनाएगा और देखेगा तो पता चलेगा कि कहाँ अभी भी लैक्यूना है। तो ये समय को यूटिलाइज करके अपना लैक्यूना को कवर कर लीजिए, तो इट विल गिव यू अ नेक्स्ट लेवल बूस्ट। तो ये चांसेस 50-50 वालों का है। अब जिसका चांसेस ये है कि हम पास हो जाएंगे, ठीक है, तो उसका भी 2 केस बन रहा है कि अगर पास हो जाएंगे तो हो सकता है आपने एक ही ग्रुप दिया है, और दूसरा केस हो सकता है कि आपने दोनों ग्रुप दिया है। अगर आपने एनी वन ग्रुप दिया है तो पास हो जाएंगे, अगर ऐसा लग रहा है तो क्या करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना, रेस्ट वेस्ट नहीं करना, ये नहीं कि इसका रिजल्ट आएगा तब जगेंगे। स्टार्ट योर क्लासेस फॉर नेक्स्ट ग्रुप, क्योंकि आपको नेक्स्ट ग्रुप के लिए फिर समय कम पड़ जाएगा। आप रिजल्ट के बाद जगोगे नेक्स्ट ग्रुप के लिए, बोलोगे मेरे को तो सामने अटेम्प्ट में देना है, तो वो फिर वो ग्रुप क्लियर नहीं होगा। अगर आपको लग ही रहा है कि हम पास हो ही जाएंगे तो स्टार्ट फॉर नेक्स्ट ग्रुप कब करना है, अभी करना है, नाउ नाउ यू हैव टू स्टार्ट, यू कांट वेट एनी लॉन्गर। इसके लिए भी क्लासेस कहाँ से लेनी है, SGC से लेनी है। क्लासेस ऑल सब्जेक्ट्स आर अवेलेबल एट SGC, इकोनॉमिक कॉम्बो, प्रीमियम कॉम्बो, सुपर सेवर कॉम्बो, ऐसा कई सारे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बोज पे वर्क करें आपका पैसा बचाने के लिए। तो आप प्लीज़ फटाफट कांटेक्ट करके यहाँ पे काउंसलर्स को समझ के बताइए कि आपको क्या चाहिए, वो आपको बेस्ट गाइड करेंगे। और इसके बाद अगर हम बोले आपको लग रहा है कि आप पास हो ही जाएंगे और आपने बोथ ग्रुप अपीयर कर दिया है, चाहे इंटर में हो चाहे फाइनल में हो, बोथ ग्रुप अपीयर कर गया है तो क्या करना है, तो उस समय अब आपको आराम करना है, चिल मारना है ना, ठीक है। बट चिल मारने से खाली तो होगा नहीं, चिल के साथ साथ कुछ काम भी करना चाहिए, नहीं तो क्या होता ना, बहुत दिन तक चाकू यूज़ नहीं करेंगे तो चाकू में जंग लग जाएगा, तो वैसे दिमाग में भी बहुत दिन तक यूज़ नहीं होगा तो दिमाग बैठ जाएगा, टाइम पे फिर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो ऐसा भी मैंने स्टूडेंट्स को देखा है जो एग्ज़ाम देने के बाद एकदम आराम मोड में चले गए, फिर जब वापस रिजल्ट रिजल्ट आके देखते हैं, उनसे बात बात करते हैं तो बहुत डम्ब से हो गए, मतलब जितना स्पीड में दिमाग चल रहा था एग्ज़ाम के समय एकदम 2 महीना ढीला छोड़ दिया, आराम कर रहे, फैमिली में लग गए, मस्ती में लग गए, फिर आके दिमाग पकड़ ही नहीं पा रहा है, स्पीड ही नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो जॉब वॉब में बड़ा दिक्कत हो रहा है उनको। तो इसलिए उनको कुछ ना कुछ अपना शार्पनिंग तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। ऑलराइट, ये शार्पनिंग यही बच्चे पूरी तरीके से कर सकते हैं,
यहाँ पे जो दोनों ग्रुप अपीयर्ड हैं और पास होने का उनको लग रहा है कि चांसेस ज़्यादा है, तो उनके लिए ये चिलिंग और शार्पनिंग का उपचार मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी सबको तो भाई पढ़ाई से ही फुर्सत नहीं है, बाकी सबको पढ़ाई से फुर्सत ही नहीं है, ठीक है। बाकी सब पढ़ाई पे फोकस करेंगे, देखो नेक्स्ट ग्रुप क्लासेस, यहाँ पे एनी सब्जेक्ट का क्लासेस या प्रैक्टिस, यहाँ पे क्लासेस और प्रैक्टिस, यहाँ पे क्लासेस लेना है, तो फुर्सत कहाँ। आप यहाँ पे टाइम वेस्ट करेंगे तो आपका फिर ये एग्ज़ाम बैठ जाएगा, ठीक है। हाँ वो बात अलग है कि मन विचलित होता है, तो मन को शांत करने के लिए थोड़ा बहुत खुजली मिटा सकते हैं, बट यहाँ पर आपके पास तो ऑप्शन ही नहीं है। तो क्या करना है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो इसके लिए आप एक चीज़ ध्यान रखो कि SJC लेकर आ रहा है आपके लिए एक सीरीज़ जिसका नाम है ग्रो योर फाइनेंस ज्ञान सीरीज़। ये ऑलरेडी हम लोग लास्ट 6 महीना पहले कराए थे, उसका आप समझ लेना सीज़न 1 हुआ था, अब ये सीज़न 2 आ रहा है, ठीक है। और इसमें एक नए लेवल से एक नए तरीके से आ रहा है, जिसका पर्पस क्या है कि आपका माइंड अभी जो खाली बैठा हुआ है उसको हम यूटिलाइज करवा दें, और आपको यहाँ पर हम बहुत सारे वेरिएशंस देने वाले हैं जो आपको एक नेक्स्ट लेवल ऑफ सक्सेस तक लेके जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा भी सस्पेंस बना के रखे हैं, बट आप ये समझ लो कि आपको वो हर चीज़ यहाँ मिल जाएगा जो आप अपने लिए अभी खाली बैठे बैठे सोच रहे कि मैं क्या ये करूँ, क्या मैं वो करूँ, क्या मैं ये करूँ, क्या मैं वो करूँ, उन सब का एक स्ट्रक्चर्ड उपाय आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए कमिंग वीक में हम लोग कुछ लॉन्चिंग करेंगे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिएगा, और जो भी इसके सेशंस होंगे उसको आपको अटेंड करना ही करना है, करना ही करना है, करना ही करना है, करना ही करना है, जिससे कि आपका माइंड शार्पनिंग होता रहे। और अगर हाँ आप पढ़ाई करते करते कई बार बोर हो जाते हैं, ये मैं मानता हूँ, तो अगर आपको लगता है कि बोरियत का सामना करना है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कुछ चाहिए, तो बिना पढ़ाई हैम्पर किए, ये पढ़ाई को हैम्पर किए बिना इसका टारगेट्स पूरा फुलफिल करके फिर जब समय बचे तब आप हमारे GYFG सीज़न 2 में आ जाइएगा। तो इसमें हम आपको ऐसा ऐसा एक टेक्निक्स और सेशंस बताएंगे, क्या करना है वो सब बताएंगे, जिससे आप एक अच्छे प्रोफेशनल बन पाएँ, एक अच्छे इंसान भी बन पाएँ, और खूब अपने लिए पैसा भी कमाने का सोच पाएँ, और बहुत सारे वैल्यू आप जहाँ पे भी काम करें क्लाइंट के लिए, कंपनी के लिए, उनके जीवन में भी डाल पाएँ। तो ये कैसे संभव होगा उसके बारे में बात करेंगे। सीज़न 2 के लिए सीज़न 1 देखा हुआ होना ज़रूरी नहीं है, बट अगर तब तक जब तक ये स्टार्ट नहीं होता तब तक समय सच में खाली जा ही रहा है, तो सीज़न 1 देख लो ना। अगर देखा हुआ है सीज़न 1 तो फिर से एक बार देख लो। तो उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के लिंक में दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप उसको सुन लीजिए एंड फिर हम लोग मिलते हैं, राइट। और जिनका भी क्लासेस लेना है प्लीज़ SJC में रिकमेंड करें, आप हमारे स्टूडेंट रहे हैं तो आप ही के प्यार से ही इंस्टीट्यूट चलता है। तो अगर आप हमारे से सेटिस्फाइड हैं, आप हमारी पढ़ाई को समझ पा रहे हैं, हमारी टीम के हेल्प सपोर्ट सिस्टम से आप इम्प्रेस्ड हैं, तो आपको हर ग्रुप्स में जहाँ जहाँ आप मेम्बर हैं, बहुत सारे बच्चे अभी क्लासेस खोजेंगे, तो प्लीज़ आप उन्हें हमें रेकमेंड करें, जिससे कि हम उनको नेक्स्ट लेवल पे सपोर्ट देकर उनको भी पास कराने के लिए मेहनत कर सकें। दैट्स इट इन दिस, थैंक यू सो मच, ऑल राइट, चलो तब तक के लिए ध्यान रखना, बाय बाय, टेक केयर।